सफलता के बाद अब भारत सूर्य की तरफ जा रहा है। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों ने उत्साहित होकर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 को लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं कि आदित्य L1 ने अब अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया है और सूर्य की तरफ जो है वो बहुत तेजी से जा रहा है। यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57। आप देख सकते हैं कि आदित्य L1 पृथ्वी से 15,00,000 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वहां से इसरो को पृथ्वी पर फोटो भेजना शुरू कर देगा और अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत अपनी सफलता के लिए एक नया कदम चूमेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी के लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी अक्षादन ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ है। ये वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान वैद्युत चुंबकीय और कर और चुंबकीय क्षेत्र संचूचकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रेमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 नीत भार ले जाएगा। विशेष सहूलियत बिंदु L1 का उपयोग करते हुए 4 नित भार सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष 3 नित भार लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और क्षेत्रों का यथावस्थित अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंतरग्रही माध्यम में सौर गतिकी के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं। आदित्य L1 नित भार के सूट से कोरोनल तापन, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है।